नमस्ते सर, अमेरिका सेना ने ट्रंप का साथ देने से किया इनकार। कहा हम संविधान बचाने के लिए बने हैं, ट्रंप के लिए नहीं। सही बात है, क्योंकि पुलिस, आर्मी, मिलिट्री, जो भी सेना है वो संविधान को बचाने के लिए बनी है, कोई मंत्री नेता के लिए नहीं बनी है। क्योंकि संविधान की उनको सुरक्षा, संविधान की उनको रक्षा करनी है, वो इसलिए बने हैं और इसलिए उन्होंने शपथ खाई है कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। और वो सही बात है, कितने नेता आएंगे, कितने नेता जाएंगे, कितने मंत्री आएंगे, कितने मंत्री जाएंगे, पर संविधान की वो रक्षा करेंगे। और संविधान क्या कहता है कि जनता की सुरक्षा करना, उसमें शांति बनाए रखना, एकता रखना, आगे देखिए क्या क्या है वो, आगे देखिए मैं आपको बताता हूँ। अमेरिकी सेना ने ट्रंप को बचाने से किया इनकार। कहा हम संविधान बचाने के लिए बने, ट्रंप के लिए नहीं। बराबर है, क्योंकि ये जो है संविधान को बिगाड़ना चाहता है। और सल्यूट करते हैं ऐसे पुलिस वाले को, अमेरिकन पुलिस वाले को, जो संविधान बचाने की बात करते हैं, अपने देश की बचाने की बात करते हैं। हम सलाम करते हैं ऐसे जाबाज पुलिस ऑफिसर लोगों को, जाबाज जो मिलिट्री है उनको। क्योंकि आज देखिए, और जो पद पे, जो बड़े पद पे जो बैठे हैं, जो पुलिस के, आर्मी के, जो बड़े पद पे, मिलिट्री के पद पे बैठे हैं, वो उनको भी सलाम करते हैं जो अमेरिका में है, जो ये बात करते हैं कि हम संविधान बचाने के लिए बने हैं बल्कि किसी ट्रंप के लिए नहीं। वाह, मान गए, मान गए। देखिए आगे क्या है। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की बेरहमी की गई हत्या के बाद विरोधी प्रदर्शन तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो तमाम महत्वपूर्ण जगहों के साथ साथ व्हाइट हाउस में हाउस का भी घेराव कर दे रहे हैं। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों के द्वारा व्हाइट हाउस घेरे जाने को लेकर तमाम खबरें आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बम्पर में छिपाना पड़ा। वाह 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 वाह, जो संविधान को ही बिगाड़ेगा तो वही बिगड़ जाएगा। नमस्ते ट्रंप, आपके दोस्त कौन है वो आपको पता है, क्योंकि संविधान को ही जो बिगाड़ने वाला है, जो जनता की सुरक्षा नहीं कर सकता, उसको उस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं। आज वो इनकार कर रहे हैं, उधर की मिलिट्री पुलिस इनकार कर रहे हैं कि हम तुम्हें जनता से नहीं बचा सकते क्योंकि आप संविधान के खिलाफ हो। और जो पुलिस है, जो मिलिट्री है, जो भी सेना है उधर की, वो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। और संविधान की रक्षा मतलब जनता की सेवा, जनता की सुरक्षा, ये पुलिस का काम है। पर आज कई ऐसे पुलिस वाले हैं जो मंत्रियों की गुलामगिरी करते हैं, मंत्री की सेवा करते हैं। वाह 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 वाह, संविधान तो उनके लिए कुछ नहीं है, वो तो मंत्रियों की सेवा करेंगे, गुलामगिरी करेंगे, नेताओं की गुलामगिरी करेंगे। सल्यूट करता हूँ ऐसे पुलिस वाले को, जो अमेरिकन पुलिस वाले को सल्यूट करता हूँ, क्योंकि हर देश उनसे सीख लेना चाहिए, उन पुलिस वालों से सीख लेना चाहिए कैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने लताड़ा है। क्योंकि हम संविधान की रक्षा करेंगे बल्कि कोई ट्रंप की नहीं।
आपको बता देते हैं, 2 दिन पहले एक प्रांतीय पुलिस अधिकारी ने डोनाल्ड ट्रंप को नसीहत देते हुए कहा था कि अगर कुछ ढंग का बोल नहीं सकते तो अपना मुंह बंद रखे। देखो क्या बोला एक पुलिस ऑफिसर ने, क्या बोला, अगर ट्रंप को तुम कुछ ढंग से कुछ बोल नहीं सकते तो अपना मुंह बंद रखे। सही बात है, सही बात है, सलाम करता हूँ ऐसे जाबाज पुलिस ऑफिसर को। और अब अमेरिकी आर्मी की तरफ से भी जवाब आ गया है कि हम अमेरिकी संविधान की रक्षा करने के लिए बने हैं, किसी डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं, व्यक्तिगत नहीं। वाह 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 वाह, वो संविधान की रक्षा करने के लिए बने हैं मिलिट्री, किसी डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं बनी है। वाह वाह वाह, अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की इस बयान की कॉपी को शेयर करते हुए पत्रकार जोनाथन फ्रेंडलैंड लिखते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रदर्शनकारियों को दमन के लिए जिस आर्मी का इस्तेमाल की बात कर रहे थे उसने याद दिला दिया है कि वर्दी संविधान की सुरक्षा के लिए मिली है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं। ये वर्दी जो है संविधान की सुरक्षा के लिए बनी है। संविधान क्या कहता है, जनता की सुरक्षा तुम्हें करनी है, जनता की तुम्हें सेवा करनी है, वर्दी मिली है, बल्कि किसी नेता किसी मंत्री की गुलामगिरी करने के लिए तुम्हें वर्दी नहीं दी है, संविधान की रक्षा करने के लिए दी है वर्दी, शपथ खाई है उन्होंने। सलाम करता हूँ ऐसे मिलिट्री ऐसे पुलिस अमेरिकी पुलिस और मिलिट्री को जो शपथ खाई उन्हें संविधान की रक्षा करने के लिए। मान लेते हैं ऐसे बड़े नेता जो राष्ट्रपति को उन्होंने लताड़ दिया, मान लेते हैं पुलिस के हाथ में क्या है, वो कुछ भी कर सकती है, सब कुछ है, वो आप पर चाहे तो कुछ भी करते हैं, पर नहीं कर सकती। ऐसी कई देशों की पुलिस है नहीं कर सकती, वो तो मंत्रियों की गुलामगिरी करते हैं। बराबर है, आगे बताते हैं आपको। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में बन रही है, इन मिसालों से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों को भी सीख लेना चाहिए। दुनिया के हर लोकतंत्र को सीख लेना चाहिए, अमेरिकी पुलिस से सीख लेना चाहिए, मिलिट्री से उनके सीख लेना चाहिए कि कैसे वो संविधान की सुरक्षा करते हैं, कोई नेता की नहीं, कोई डोनाल्ड ट्रंप की नहीं। मैं सलूट करता हूँ अमेरिकी पुलिस को जो जनता की सुरक्षा कर रहे हैं। मतलब संविधान कहती है कि जनता की सुरक्षा यानी संविधान की रक्षा, जनता की सुरक्षा यानी संविधान की, जनता की सेवा यानी संविधान की रक्षा। वाह, सलूट करता हूँ मैं ऐसे, आपको बताते हैं। देखा ये जो पुलिस है जो अमेरिका की, वो बहुत अच्छा काम कर रही है क्योंकि संविधान को बचाने का काम कर रही है, बल्कि किसी नेता की गुलामगिरी नहीं कर रही है। आज बहुत से पुलिस वाले हैं जो नेता की गुलामगिरी करते हैं। आज मान लिया मैं अमेरिका पुलिस को या अमेरिका मिलिट्री को, फौज को, कमांडर को, जो भी है प्रदर्शनकारियों को लोग शांति से बनाए रख रहे हैं, उनको समझा रहे हैं और संविधान की उनको रक्षा करनी है। और संविधान कहता है कि जनता की रक्षा यानी संविधान की रक्षा, जनता की सुरक्षा यानी संविधान की सुरक्षा। और ये जो वर्दी पहनी है संविधान की रक्षा करने के लिए पहनी है, परंतु कुछ सब देशों ने ये सीख लेना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।